दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। भारत की युवा पीढ़ी एक ऐसे दौर में है जहां वो जॉब सीकर की मेंटालिटी से निकलकर जॉब क्रिएटर बनना चाहती है। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके आप ना सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं बल्कि आप दूसरों को भी रोजगार का अवसर दे पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एल्युमिनियम फॉइल रिवाइंडिंग बिजनेस के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं कि एल्युमिनियम फॉइल रिवाइंडिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट, एरिया, मशीन और लेबर की जरूरत पड़ेगी। आज हम बात करने वाले हैं एल्युमिनियम फॉइल रिवाइंडिंग मशीन के बारे में। इस मशीन का काम ये होता है जंबो रोल को छोटे रोल में कन्वर्ट करना। आपको एक एल्युमिनियम फॉइल रिवाइंडिंग मशीन लगाने के लिए 500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत है, और इसी एरिया के अंदर आप अपना रॉ मटेरियल भी रख सकते हैं, मशीन भी रख सकते हैं, और आपका फिनिश प्रोडक्ट भी इसी जगह के अंदर आ जाएगा। और कोई ख़ास सिविल वर्क की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे भी इस मशीन को लगा सकते हैं, और आप किसी शेड में भी लगा सकते हैं, कहीं भी आप इस मशीन को लगा के अपना व्यापार चालू कर सकते हैं। हमारे पास जो एल्युमिनियम फॉइल रिवाइंडिंग मशीन है उसकी कीमत है 3 लाख रुपये प्लस 18% GST, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग से आपको देनी होती है। इस मशीन को चलाने के लिए एक स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत होती है और एक हेल्पर की ज़रूरत होती है। स्किल्ड ऑपरेटर का काम यह है कि वो मशीन को चलाता है, रन करता है, और जो हेल्पर का काम है उसको पैक करना है। रोल तैयार होने के बाद हेल्पर उस रोल को बॉक्स के अंदर पैक करना है। हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की। आपको रॉ मटेरियल में एल्युमिनियम फॉइल जंबो रोल चाहिए, कोर चाहिए रिवाइंडिंग के लिए, और पैकिंग के लिए आपको बॉक्स चाहिए। एल्युमिनियम फॉइल जंबो रोल जो है मार्केट में आपको किलो के हिसाब से मिलता है। एक किलो की कीमत है तकरीबन 250 रुपये किलो विद GST। इसमें GST जो है वो 18% लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 215 रुपये किलो अगर आपको मिलता है तो प्लस 18% GST तकरीबन 254 रुपये किलो के आसपास। इस बिज़नेस को चालू करने के लिए आपको तकरीबन 5 लाख रुपये की ज़रूरत होगी, जिसमें मशीन प्लस आपका रॉ मटेरियल दोनों चीज़ें उसमें आ जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की अगर बात करें तो तकरीबन मशीन का लोड है 1 किलोवाट। इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजप्शन आपको तकरीबन 2.5 किलोवाट की इसमें ज़रूरत होगी। बाकी अगर आप एल्युमिनियम फॉइल रिवाइंडिंग मशीन लगाते हैं तो इसके साथ आपको और किसी मशीन की आवश्यकता नहीं है। चालू करने के लिए आपको GST नंबर की ज़रूरत होगी, और बाकी किसी और अदर लाइसेंस की आपको ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मशीन के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें मशीन के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल जंबो रोल को लोड करना है, फिर हमें मशीन के ऊपर कोर को रखना है। कोर रखने के बाद मशीन को हमने स्टार्ट करना है। स्टार्ट होने के बाद रिवाइंडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। जब रिवाइंडिंग फिनिश हो जाती है तो हमारे को कोर को मशीन के ऊपर से हटाना है, और मशीन के अंदर ही हमने ब्लेड फिक्स कर रखा है वहीं से उसको कट कर देना है, और उसको टेप लगा के बॉक्स के अंदर रख के पैक कर देना है।